Hello, G. Sashikant. So, welcome, Saranu. Welcome back to my channel, Pribani. Yes, guys, this is Sanjana. I'm going to show you the first time. Oh, yeah. Please click the channel, subscribe. I'm going to show you the 650 के होन वाले. ड्रामे मैं लब लब के ड्रामे लाने पै रहे मैं जो ड्रामे गए थे नहीं बन पा रहे क्योंकि ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੈਸਟ ਆਫ ਮਾਨਚਨ ਭਾਜੀ ਤੇ ਬਸ ਬੈਸਟ ਆਫ ਮਾਨਚਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਫ 12-13 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਮਜ਼ੇ ਕਰਿਓ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਡੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਗੱਲ
कोई दोस्त नहीं होता। और टलो मसरा की पुट ले आनी है। ठीक है, पैसे तो ले जाओ। बड़ा तो बैठे। नहीं। अब पहले अंकल टिन्ने लाने दी बैठे। देखा है कितना अमीर हो गया मेरा नाना। तेरी देर लड़ाई ना हो पवे। ये सुधर जाएगा, ये बड़ा मासूम है। एक गलास ले। अगर नहीं सुधरिया तो मैं अभी आप नहीं। बिल्ली, तुम अपना दिल छोटा नहीं करोगी। भाभी बनोगी तो तुम ही बनोगी। बस हमारे बड़े हकीम सबसे बात हो गई है, उन्होंने कहा शादी के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सच सच तेरी कसम सचमुच। पता लाल मिर्च कम होगी, थोड़ी सी लाल मिर्च ले आओ। हां जी ले आए। अच्छी अच्छी है। आओ। अरे काला सिरा तो मैं भूल ही गई, काला सिरा भी लेती है ना। ये ना मैं इंतजार करती भी रह जाऊं। हां मैं मर गई। बोलिंग हाँ मैं। आप यहाँ पे क्या करने आए जी? क्यों किसी और नाला सी? नहीं वो मेरा मतलब है क्या काम है आपको? काम मिलू काम। हाँ जी तू मंगेतर है, मेरी मंगेतर है। जी मैं आपकी मंगेतर हूँ, मगर क्या काम है आपको? मैं तेरे बड़ी जरूरी गल करने आया। क्या जरूरी बात है आपकी? अरे मैं आंटी मिलने आया। बात सुने, आंटी घर पे नहीं है, घर में कोई नहीं है, मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ जी। कोई भी नहीं घर? हाँ जी। तू करनी है? हाँ जी। गल की जरूरी करनी थी, दरवाजा तो ला बना बंदा। हाँ जी मैं अकेली हूँ, क्या होगा? मैं तेरे बड़ी जरूरी गल करना है जी। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? मैं एक बेशरम से आदमी हूँ और वैसे भी तेरा होने वाला शौर है। होने वाले है ना, हुए तो नहीं ना। कोई ऊपर से देखेगा तो क्या सोचेगा? की कहेगा, की सोचेगा? यही कहेगा कि होने वाले में अभी भी आइंदा जिंदगी का प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? यही क्या बच्चे किन्हों चाहिए ने? बच्चे? कैसे बच्चे? शादी होगी, बच्चे होंगे और पर्चे होंगे। जी घर में कोई नहीं है और आप कितनी फजूल बातें कर रहे हैं मुझसे, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है ना। दिल धड़क रहा है? हाँ जी। ये तो प्यार की निशानी है। जी नहीं, ये बुखार की निशानी है। बुखार है तेरे को? हाँ जी। अबे नमस्ते बुखार पे। मेरे पास नहीं आना। मैं बुखार चेक कर रहा हूँ। मेरे पास नहीं आना, मैं कह रही हूँ। नमस्ते बुखार पे। मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचा दूंगी, शोर मचा दूंगी। पांव चौक के कुड़ियों को यही गल होती है, शोर मचा दूंगी, शोर मचा दूंगी, शोर मचा दूंगी, शोर मचा दूंगी। कितना बुरा लगता है इंसान शोर मचाता हुआ। कोई मुसाहिब में बीमार होता है, कोई पढ़ रहा होता है, शोर मचा दूंगी, शोर मचा दूंगी। एक साल है तेरी मेरी मंगनी है, मैं तेरी शक्ल नहीं देख सकया। कोई बात नहीं, बचपन में तो देखी थी ना। बचपन तो तेरा नक बगदा सी। कोई बात नहीं, शादी के बाद देखिएगा बस। मैं नहीं पता, मैं अपनी शक्ल हा शादी के बाद। मैं तेरा मुंह देख के ना कोई नहीं सकता। मैं नहीं पता मुंह हा शादी के बाद। तेरी तेरी मां की कसम। तारीफ करा सोनी है, तारीफ तेरी करा क्यों मैं काटा। क्या हौसला है अमराओ, मैं लगता है मैं मिस्र के बाजार च फिर रहा ते सिड्डा दी दुकान लभदा फिर मैं। अमराओ खुदा ने तुम्हें बहुत हुसन दिया है। क्या किसी शायर ने कहा ये जवानी गुलाब हो जाए, मयस्सर अगर शराब हो जाए, इसी मदहोशी और मस्ती में आओ फरिश्तों हिसाब हो जाए। अमराओ 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 मैं तुमसे बात करूं अमराओ। कौन है? कौन है? वो हमारे बिस्तर है जी। अब बिस्तर तो धोने के लिए। बिस्तर तो धोने के लिए। कौन है? तकिए वो। अच्छा बिस्तर है सामने। अमराव मैं अंदर आ जाओ। आप अंदर नहीं आ सकते, पहले जाके कुंडी खोल के। मैं आपको कह रही हूं पहले जाए, आपको लगे कैसे आप जाए पहले कुंडी खोल के। आप 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 मैं बैंक से लगा। इतनी इज्जत। तू मंगेतर है, मेरी मंगेतर। जी वो बात तो ठीक है, मैंने कुंडी खोल के आपसे कह रही हूँ, क्यों नहीं मेरी बात मानते? आप चले जाए ना कुंडी खोल के। ए आप तेरा चाचा सोरा मैं। मंगेतर हूँ मेरी। आप जाके दरवाजा खोल दे। बट साहब बट साहब शक्ल तो देखो बड़े चांदी में।
मैं तुमसे बात करनी है। आपको मेरी जानी कसम, पहले जाके दरवाजा खोल दिया है। अपनी कसम दे देती हो, दरवाजा खोलो। चलो ये काम में दौड़ते लग गई। टांगे कर मैं आई अचानक अगे आगे मैं पता लगा घर को नहीं इनसे कह दो कि ये यहाँ से जाए। इनसे कह दो मैं ट्यूशन पढ़वाए थे। इनसे कह दो। तेरा ब्याह अमराव तो नहीं हो रहा है। अमराव मेरी बचपन की मंगेतर है। ये तो मेरा ब्याह होना। अच्छा, तो फिर तेरे ब्याह तो पहले मैं तोहफा दूंगी। क्या तोहफा? रंगकार साबुन। रंगकार साबुन तू कौन है? बिल्ली मेरे अपा जी ने एक बिल्ली मारती थी। मेरे अपा जी ने रखे थे कबूतर। रोज एक बिल्ली कबूतर लाती थी। एक दिन मेरा अपा ना एक फड़ के बिल्ली ने मगर भजया। एक बाबा कहता भाई जी बिल्ली ने इतनी मर दी। बिल्ली ने ज्यादा रूम मारी था। रूम मेरे अपने पर छोटे थे रूम लेट गए ना। अच्छा अच्छा दे आदी क्या हाँ चल गए। हाँ तू तो रंग छाड़ दे। तुम किससे बात कर रही हो? चले शोहर आओ बाबी। हम सलीम है। आए बाबी सलीम है। हम अमराव अमराव अब अपने सलीम को अपनी सहेलियों से बेइज्जत कराओगी तो फिर आप चले क्यों नहीं जाते? आप तेरा मान क्यों ना मारे? चले चले बहुत बेइज्जती हुई हमारी इस घर में। अमराव सेरे बात कराएंगे इस घर में। हम सलीम है। बाखुदा मोहब्बत के दुश्मन नहीं अपनी हवस के गुलाम है। घर के नीचे बात है। बात तो बात ले शर्म ऊपर ला शर्म ये क्या है? तो क्या डाल रही थी? ये मेरे होने वाले मुंह है ना बचपन में मम्मी कर दी है। अच्छा? और मैंने अभी तक इन्हें देखा भी नहीं। अच्छा खाला जी कितने गए? वो सारे शादी पर चले गए। पीछे से ये आ गए देखा तेरा आप उसाई शादी शाम किसी ने ऑडियंस को क्या जियो चंद साहब क्या तू भी जियो क्या टांगे वाले मतलब ऑन द स्पॉट जुगत आ रही ना यार कमाल ही होंगे। बाकी स्टार्टिंग दे विच जिहड़ा सोहेल अहमद साहब ने काम किया ना ओहदा बड़ा मजा आया मैनू। मतलब आज मैनू अमान चंद साहब तो ज्यादा मजा सोहेल अहमद साहब की गल्लां दा आया ते वधिया सीगा बहुत वधिया सीगा। ते होर लब्बांगे ड्रामे जे होर किते मिल जांदे ने ते मैं लब लब के लैके आई जावांगा। मैं रोज छानबीन करदा रहिंदा कि यार कोई तां कॉपीराइट दे मतलब फ्री छड्डिया होवे किसे ने कि किस ते बना सकदा वीडियो। बट मोस्ट ऑफ द वीडियोज गाइस लाइक 90% ऑफ द वीडियोज जिहड़ी सब तो वधिया ड्रामे ने पाकिस्तान दे ओह सारे ही सारे वड्डी वड्डी कंपनीज ने अपने बैनर दे अंदर खरीद लए ने
ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਗਾਇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਫਕੋਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੈਰੇਕਟਰ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਕਈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੂਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੈਰੇਕਟਰ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਪਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਰੇਕਟਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਸਟੋਰੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਏਦਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਆਣਗੇ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਵਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਡੀਅੰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਡੀਅੰਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਲੈਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਈਸ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਓਵਰਆਲ ਡਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਈਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ, ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।